good morning everyone. This is Mr. Vaibhav Bhosle from Prabha Institute of Medical Sciences. जैसे आप जानते हो 24th से आपके periodic and midterm exam चालू है, जो भी BSc first year है उनका periodic चालू है, जो भी MSc है PBBSc उनका midterm चालू है. तो just I am going to tell you कि online examination कैसे हम लेते हैं और आपको क्या क्या करना है, points by points और instructions आपको मैं बताता हूँ. पहली चीज तो आपको ये करना है कि आपको स्मार्ट मोबाइल नहीं तो आपके पास अच्छा वाला लैपटॉप चाहिए. और सेकंड चीज गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रिजर्व करके रखो. अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और आपके पास ज्यादा डेटा नहीं है तो डेटा का भी एक रिचार्ज आता है जियो में नहीं तो वोडाफोन में, वो डेटा रिचार्ज करके रखो एग्जामिनेशन पर्पज सिर्फ एक हफ्ते के लिए. और थर्ड चीज ये मत बोलो कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है. जिधर से भी मोबाइल अरेंज होता है मैं लैपटॉप का जिसके पास है अच्छा है, जिसके पास नहीं है लैपटॉप वो मोबाइल से भी एग्जाम दे सकता है. तो अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी किधर है उधर पहले ही आप जाके बैठो. और लोनी एरिया में और अहमदनगर एरिया में ऐसा कोई भी एरिया नहीं जिधर नेटवर्क नहीं है. तो आपको मैं जिक्र कर रहा हूं जिधर अच्छा नेटवर्क है उधर पहले ही जाके बैठो और एग्जाम देना मस्ट है, इसके बाद हम एग्जाम नहीं लेने वाले. सो मैं आपको स्टेप्स बोलता हूं वन बाय वन आपको कैसे जाना है. फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम स्टेप्स, उसमें मैं फर्स्ट बोलने वाला आपको कि कौन से तीन ऐप चाहिए आपको. तीन ऐप चाहिए आपको. फर्स्ट जैसे कि आप जानते हो आपको जूम ऐप ये डाउनलोड करना है. जूम ऐप मोबाइल में बिल्कुल फ्री है और ये आप डाउनलोड कर सकते हो. सेकंड आपको डाउनलोड करना है आपका व्हाट्सएप, जिसका जिसका भी व्हाट्सएप है वो बहुत अच्छा है. जिसने जिसने अभी तक व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं किया व्हाट्सएप डाउनलोड कर लो. और अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रुप में ऐड नहीं हो तो आपके क्लास कोऑर्डिनेटर को बोल दो कि सर मुझे फर्स्ट ईयर ग्रुप में ऐड करो. और सेकंड ईयर ग्रुप जो भी ग्रुप आप रिलेटेड हो वो ग्रुप ऐड करना है. और थर्ड चीज है आपका अडोबे स्कैनर. अडोबे स्कैनर आपको डाउनलोड करना है क्योंकि जो भी एग्जाम आप लिखते हो आपको A4 साइज में लिखना है. मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा A4 साइज में लिखना है. और A4 साइज में लिखने के बाद उसका रोल नंबर नेम जो भी आपका स्टूडेंट प्रोफाइल वो डालने के बाद उसको फोटो लेना है, अच्छे से फोटो लेके वो क्रॉप करके आपको अपलोड करना है. वो कैसे करना है कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बताता हूं. स्टेप नंबर टू, जैसे ही आपने तीनों ऐप डाउनलोड कर लिया उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एग्जाम मेरा है आज एग्जाम्पल 3 से 4 बजे तक, दोपहर में 3 से 4 बजे तक आज है. तो आपको क्या करना है 15 मिनट एडवांस ही रेडी रखना है, अपना सब सेटअप रेडी रखना है. आप जो रूम में बैठ रहे हो उधर कोई भी नहीं आना चाहिए और पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए. और सेकंड चीज जो भी डिस्टर्बेंस नहीं रहना चाहिए और आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा रहना चाहिए. एक बार हो गया आपको फर्स्ट जूम ऑन करना है, जूम आपको ऑन करके दिखाना है. व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, व्हाट्सएप को आपको क्वेश्चन पेपर आपका जो भी है वो आ जाएगा. और इसमें सिर्फ LAQ और SAQ रहेंगे, LAQ और SAQ मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे. थर्ड चीज है आपको जी फॉर्म के लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है. जी फॉर्म लिंक पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, उसमें जो जो भी इन्फो है आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है. जी फॉर्म के स्टेप्स जो भी है उसके ऊपर भरना है. और एक बार जी फॉर्म पे MCQ भी रहेगा. Thank you.
आपने क्लियरली एमसीक्यू भर दिया और लास्ट स्टेप जी फॉर्म में जो भी है वो पीडीएफ अपलोड, पीडीएफ अपलोड आपको डायरेक्टली पीडीएफ अपलोड करना है। और अपलोड करते वक्त आपको याद रखना है कि पीडीएफ अपलोड रीनेम करना है, रीनेम करना बहुत जरूरी है। रीनेम मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा नाम वैभव मनोहर भोसले है तो कंप्लीटली वैभव मनोहर भोसले और रोल नंबर भी आपको डालना है, लाइक 22 फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 22 मेरा रोल नंबर है, 22 वैभव मनोहर भोसले ऐसा आपको डाल के आपको वो पीडीएफ हमको सेंड करना है। पीडीएफ सेंड करने के बाद सबमिट करना और सबमिट का जो भी स्क्रीनशॉट है वो निकाल के रखो एज अ प्रूफ, तुम्हारा प्रूफ हमको तो आएगा ही बट आप प्रूफ निकाल के रखो। और एक आदमी एक ही रिस्पॉन्स दे सकता है और कंपल्सरी जो भी है सब कुछ भरना है। और सेकेंड चीज जब भी आप अपलोड करते हो वो सिर्फ एग्जाम होने आपका, देखो अगर पीरियडिक है तो एक 1 आवर का एग्जाम रहेगा, अगर आपका मिड टर्म है तो 2 आवर्स का रहेगा, 2 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका 3 से 4 बजे तक एग्जाम है तो आपको सिर्फ अपलोड करने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा, 15 मिनट में आपको पूरा का पूरा आपका आंसर शीट है वो अपलोड करना है। और आंसर शीट अपलोड करने के बाद जो भी आपके पास फिजिकल आंसर पेपर शीट रहता है ना वो आपके पास प्रिजर्व करके रखना है। और जब भी आप आओगे नेक्स्ट अपना फिजिकली कॉलेज का होगे वो जो भी आपका आंसर शीट रहेगा आपके सब्जेक्ट टीचर को सबमिट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये याद रख लो। और ये सारे प्रोसेस है, इसके बावजूद भी आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको कमेंट दो और मैं उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। और एक दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम बताते मत बैठो, आपका उसका सोल्यूशन आप खुद ही ढूंढ लो। और मोबाइल रहना, स्मार्टफोन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।